नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने संतर शाह गांव पहुंचकर गैंगरेप मर्डर पीड़िता किशोरी के परिवार से मुलाकात की। सांसद ने परिवार को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने के लिए मदद का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटना यहां की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को परिवार का दुख बांटने के लिए यहां आना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक परिवार से मिले तक नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने परिवार को न्याय न मिलने पर हरिद्वार डीएम ऑफिस पर आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विभत्स घटना को आगामी बजट सत्र में संसद में भी उठाया जाएगा। है जिस तरह से वो जो है इनको प्रलोभन और न्याय को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये सब अगर उत्तराखंड पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं संरक्षण सत्ता का अपराधियों को है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, मैं यहाँ के सीनियर अधिकारियों से मांग करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और मुझे आशा थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी यहाँ मंगलौर में चुनाव था, यहाँ आए थे, मुझे आशा थी कि वो यहाँ आके इस परिवार का दुख बांटेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि ये बच्ची दलित समाज की है। शायद उनको इनके परिवार के पास आने का समय नहीं मिला। चुनाव में उनके लोग बहुत घूमे वोट मांगने के लिए, यही सच है। और इसे हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि इस घटना को हम प्रथम और आखिरी घटना समझ के इस पर मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले 3-4 दिन के बाद ही अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा। उसके लिए हम लोग अपनी भूमिका अपने लीडरशिप से बात करके बना रहे हैं। अभी तो सेशन आ रहा है, बजट सेशन। मैं कोशिश, पुरजोर कोशिश करूंगा कि इतनी जो विभत्स घटना घटी है और जिस तरह से अधिकारियों ने इस पर लापरवाही बरती है, इसको मैं पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उठाऊं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।